स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करेंगे क्लास 10th। जैसा कि कहा गया है सेंटेंस होता क्या है, पहले तो हमें ये जानना है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को अगर देखें तो सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और ये बनता कैसे है तो कहते हैं, पहले हम अल्फाबेट देखते हैं। अल्फाबेट जानते हैं, अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट ए से जेड तक के अक्षरों को कहा जाता है। और इसमें टू पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। टोटल मिलाकर के 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये एक सबसे छोटी इकाई होती है इंग्लिश की। इनका जो मिश्रण होता है, इनसे मिलकर के क्या बनता है, इनसे मिलकर के वर्ड बनता है। वर्ड मतलब क्या है, शब्द। और इन अक्षरों का क्या कहते हैं, लेटर। लेटर मीन्स पत्र भी होता है और लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, ठीक है। तो शब्द क्या होता है, शब्द को कहते हैं अक्षरों का वह समूह जिससे एक ठीक व सही अर्थ निकलता हो, उसे वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसी इन्हीं शब्दों से मिलकर के जो बनता है वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस की डिफिनेशन ये दी हुई है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो ये शब्दों का जो समूह है उसी को सेंटेंस कहा जाता है। तो आज हम पढ़ क्या रहे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या है, वाक्य के प्रकार, कि वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो उसको हम देखें कितने प्रकार का होता है, तो हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये दिया है सेंटेंस, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं नंबर 1 पे असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। तो ये 5 टाइप्स जो सेंटेंस हैं, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस के रूप में हैं। अब ये असर्टिव जो है, इसे साधारण वाक्य कहा जाता है। इसके टू पार्ट्स होते हैं, टू रूप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अब इनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उन्हें साधारण वाक्य कहा जाता है। इनके अंतर्गत दो भाग होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव वो वाक्य होते हैं जो स्वीकारात्मक होते हैं। कौन से स्वीकारात्मक मतलब क्या होता है, जैसे कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। राम पुस्तक पढ़ता है, या अफर्मेटिव कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए बच्चे खेल रहे हैं,
मतलब है कोई कार्य होना दर्शाया जाए तो पॉजिटिव होता है। इसी का दूसरा रूप देखा जाए यहीं पर तो क्या हो जाएगा, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, मतलब किसी कार्य का ना होना। यही यदि इधर देखें तो इसका क्या हो जाता है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं। तो यहां पर ये आपने देखा ये निगेटिव हो गया इस तरह से। दूसरा जो पार्ट आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इन्हें प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है, अर्थात इनसे होता क्या है, किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। इनको ये देखें तो हिंदी में इन्हें किस तरह से कहते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस, यस या नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरे जो होते हैं वो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस कहे जाते हैं। ये जो एस या नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनमें क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं, जैसे कहा जाए क्या वह स्कूल जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसका इंग्लिश में यदि लिखें तो क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये यस या नो टाइप, इसमें कह सकते हैं हाँ स्कूल जाता है। इसी तरह से डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, इनमें क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ, जैसे कहा जाए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर ये वाई को पहले रखेंगे, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से दोनों एक यस या नो टाइप क्वेश्चंस हो गए, एक डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस हो गया। इसी का जो तीसरा रूप है सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इससे इन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, इनसे आज्ञा प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट होता है। इनको यदि देखें तो इनको समझने के लिए कहते हैं इनका होता क्या है, इसमें जो है सब्जेक्ट इनका जो है यू, ये छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, सब्जेक्ट यू जो है वो छिपा रहता है, अर्थात ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, किससे प्रारंभ होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। यहां पर देखते हैं कि ये सेंटेंस है कौन से, किस तरह से देखते हैं, अगर हम हिंदी में देखें तो क्या कहते हैं, जैसे कहा दरवाजा खोलो, तो यहां पर क्या है, या तो आदेश प्रकट हो रहा होगा या प्रार्थना प्रकट हो रही होगी या सलाह प्रकट हो रहा होगा, तो यहां पर प्रकट क्या हो रहा है, दरवाजा खोलो, तो यहां पर सिंपल रूप से हम क्या लिखते हैं, ओपन द डोर, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया, लेकिन यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, या फिर कह देते हैं डोंट ओपन द डोर, ठीक है, या फिर हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, लिख देते हैं प्लीज ओपन द डोर। अब तीनों का भाव अलग अलग, प्लीज लग गया कृपया दरवाजा खोलिए, तो ये आग्रह प्रार्थना निकल रही है, ओपन द डोर तो यहां पर एक आदेश का भी भाव हो रहा है, डोंट ओपन द डोर, अगर कोई
खतरा है कहता है डोंट ओपन द डोर, तो यहां पर एडवाइस हो गया या रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से एक ही सेंटेंस के कहीं कहीं प्लेस के आधार पे उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उनके भाव में अंतर हो जाता है। नंबर फोर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावना अचानक प्रकट होती है। इसमें अत्यधिक आश्चर्य, सुख, दुख आदि का भाव प्रकट होता है। इनमें भी सेंटेंस ये देखें इनका रूप, तो उसमें क्या कहता है, कहता है काश मैं पक्षी होता, या खुशी की बात है कि मैं पास हो गया। तो यहां पर जैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे इस तरह से सेंटेंस आते हैं, हुल रहे आई हैव पास्ड। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस बन गया, हुए आई हैव पास्ड, बहुत आनंदित करने वाली बात है, मैं पास हो गया। या फिर कभी कभी बहुत ही आश्चर्य को प्रकट करता है, जैसे कहते हैं वाह कितना सुहाना मौसम है, तो उसको किस तरह से व्यक्त करते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर। तो यहां पर भी देखें आश्चर्य को व्यक्त किया गया, मौसम देखा गया, कहा वाह कितना सुहाना मौसम है। तो इस तरह से आपने देखा लास्ट सेंटेंस का रूप है ये नंबर फाइव। नंबर्स देख लें, 1 2 3 4 5। पांचवा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे इच्छा सूचक कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की प्रति इच्छा क्या है आपकी, या शुभकामना या संभावना कोई प्रकट हो रही हो सेंटेंस से, या किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो या किसी को श्राप दिया जा रहा हो, ऐसी भावना यहाँ पर प्रकट होती है। ठीक है, तो इनको देखते हैं, ये प्रायः मे से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं, मे से प्रारंभ होते हैं, और इनके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ठीक है, इनसे अभिवादन भी प्रकट किया जाता है, जैसे कभी कभी ओनली कह देते हैं गुड मॉर्निंग, तो यहां पर अभिवादन प्रकट हो रहा है। कोई कहता है गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट, ये सब क्या होते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही होते हैं। या फिर कह दिया मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से कहा तुम दीर्घायु हो, तुम लंबे समय तक जियो, ये कह देते हैं। या कह देते हैं मे यू गो टू हेल, तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या कहता है, मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस का स्वरूप क्या बनता है, कैसे बनता है। पहले अल्फाबेट को हम देखते हैं, ए टू जेड होते हैं, ये 26 होते हैं टोटल बताए गए, उनके टू पार्ट्स होते हैं 5 एंड 21। 5 होते हैं वावेल ए ई आई ओ और यू, ये 5 होते हैं। 21 कंसोनेंट होते हैं, ठीक है, उनके मेल को वर्ड कहते हैं, शब्द, ठीक है, जिनसे ठीक ठीक अर्थ निकलता हो, शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, जो कि यहां पर डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है सेंटेंस की। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और उनके ये रूप दिए गए हैं, काइंड्स, असर्टिव, इंट्रोएक्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इनको आप सब सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू मिस्टेक एनीथिंग सो प्लीज कमेंट एंड लाइक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें तथा कमेंट करें।